नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के देवरिया विधानसभा सीट के लिए कल मतदान होना है, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जीआईसी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, लेकिन ड्यूटी रिसीव करने के लिए मतदान कर्मियों की काफ़ी भीड़ दिखी, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। सीडीओ ने बताया कि सभी कर्मियों को एंटीजन टेस्ट करा लिया गया है, मास्क सैनिटाइजर दिया गया है। कल वोटर्स को मास्क ग्लव्स दे दिए जाएंगे, जिससे वोटिंग करने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो और ना ही कोई दिक्कत हो। 487 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ज़मीन पर भी फोर्स, बिहार बॉर्डर पर नदी में फ्लोटिंग पुलिस और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। कुल 3,36,565 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 48 सेक्टरों में बांटा गया है। 74 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 61 वीडियोग्राफी टीम लगाई गई है। 2,148 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देवरिया से जिला संवाददाता नदीम खान की रिपोर्ट। हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि सारे पुलिस पर्सनल जो है सभी का एंटीजन टेस्टिंग करा लिया है और सभी को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया है। इसके अतिरिक्त कल जो वोटिंग होगा उसमें वोटर्स को हम लोग मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे, ग्लव्स देंगे और सारा फैसिलिटी हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो और वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े। और इसके अलावा हमारा जो पुलिस प्रबंधन है वो भी अच्छी तरह से हुआ है। वो हम मतदान केंद्र बनाया गया जिसमें 487 पोलिंग बूथ है। और क्या सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या दृष्टिकोण से इस बार हम लोग तीन तरफ से जैसे जमीन पे भी हमारे पोस्ट होते पैरामीटर पोस्ट मिला हुआ है। इसके अलावा जो बिहार से जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे नदी किनारे नदी में फ्लोटिंग पुलिस भी लगा हुआ है। इसके अलावा ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में क्या कुछ अलग से व्यवस्था की गई है? वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी हो रहा है, इसके अलावा चेकिंग मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और इसके अलावा बाइक ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सेक्टर था उससे मुकाबले सर यहाँ पे आज पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है। कोविड है, ऐसे में काफ़ी भीड़ है, इसको देखते हुए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे हमने सभी का टेस्टिंग पहले से करा दिया है, सभी लोग जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उसके अलावा उनको मास्क दिया गया है और सैनिटाइजर दिया गया है और प्रिकॉशन। जनपद देवरिया की एक सीट देवरिया सदर के लिए कल उपचुनाव संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए पोलिंग पार्टियां और पुलिस बल आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहा है। हमारी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, लगभग 3,500 ज़्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। CFEF की हमारी कंपनियां हैं जो बाहर से आई हैं, वे क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर, वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर और अन्य जो महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं उस पर लगाई गई हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी हमें जो उनके जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल प्राप्त हुआ है, पुलिस प्रचुर मात्रा में है हमारे पास और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने चाक चौबंद कर रखी हैं। हमारे पास एक कंपनी PAC फ्लड की मिली हुई है जो जिसकी वजह से जो हमारा बिहार का बॉर्डर है, जो नदी का क्षेत्र है, वहाँ भी गश्त आज हमारी लगातार 24 घंटे पहले से शुरू हो गई है और इसके अलावा 72 घंटे पहले से हमने जनपद की सीमाएं सील कर दी हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। चुनाव सफल, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण कराने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और निश्चित रूप से उसमें सफल।